Hello, I'm Dr. Meena, Senior Consultant Pediatrician at Akash Healthcare Super Speciality Hospital. आज हम बात कर रहे हैं adenoviral infection in children. जैसे सबको पता है adenoviral infection अभी फैला हुआ है इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट एरिया में और कोलकाता में बहुत सारे केसेस नोटिफाई हो रहे हैं. दिल्ली की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देख रहे हैं adenoviral infection का. और ये adenoviral infection ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है. adenoviral infection बहुत ही कॉमन है और especially बच्चों में 6 months to 5 years का जो एज ग्रुप है उसमें इन्फेक्शन के रेट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको इम्यूनिटी नहीं मिलता है. एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एज दे क्रॉस 5 years दे डेवलप इम्यूनिटी विच गिव्स देम गुड प्रोटेक्शन. इस एपिडेमिक में आउटब्रेक है उसमें जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं वो है हाई ग्रेड ऑफ फीवर जो चिल्स के साथ 103-104 तक भी टच कर सकते हैं और दिस लास्ट फॉर 5 to 7 days. इसके साथ जो सिम्टम्स टिपिकली हमें देखने को मिल रहा है वो है रनिंग नोज, कोल्ड, कॉफ और आई डिस्चार्ज. adenoviral इन्फेक्शन जो है वो टिपिकली आपके आईज को अफेक्ट करता है, जो रेड आई सिंड्रोम बोलते हैं उसको कॉज करता है. उसमें आपको बच्चे को देखने को मिलता है कि आई डिस्चार्ज है, स्टिकीनेस है, रेडनेस है, वाटरिंग है, ये सब आई सिम्टम्स है. उसके साथ adenovirus के इन्फेक्शन आपको सीवियर ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है. इस एपिडेमिक में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को कॉफ और चेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. जो कॉफ बहुत क्रोनिक है, बहुत लंबा टाइम ले रहा है दूसरे वायरल के इन्फेक्शन के वजह से. एंड अनफॉर्चुनेटली ये इन्फेक्शन कभी कभी सीवियर केसेस भी हो सकता है जिसके वजह से हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है. और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के वजह से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है जिसके वजह से हमें बच्चे को ऑक्सीजन की सपोर्ट और हाई फ्लो और कभी कभी वेंटिलेटर की सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है. जो रेयर सिम्टम्स है वो हो सकता है वॉमिटिंग और कभी कभी सीजर. चेस्ट इन्फेक्शन के साथ बहुत सारे बच्चों को एब्डोमिनल सिम्टम्स है जैसे वॉमिटिंग है, लूज स्टूल्स है, इरिटेबिलिटी है, चाहे रिफ्यूजल ऑफ फीड्स है. तो मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी सिम्टम्स है आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें क्योंकि ऐसे बच्चों को कभी कभी आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ सकती है. थैंक यू.